हेलो नमस्ते सलाम वेलकम टू माय शो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। एंटरटेनमेंट की दुनिया में कब ऐसा होता है जब कोई गॉसिप ना मिले आपको, लेकिन हाँ आप बिजी होते हैं जिसके चलते आपसे एंटरटेनमेंट की दुनिया की खबरें छूट जाती होंगी। तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा आपके खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ, तभी तो लेकर आती हूँ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, ताकि कोई भी मसालेदार खबर ना छूटे आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। भारत में सनातन धर्म को फिर से स्थापित करने वाले प्रसिद्ध टेलीविजन शो रामायण के मेकर्स एक और रामायण की कहानी को लाने की सोच रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने खुलासा किया है कि वो नए शो की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि ये कहां स्ट्रीम होगा और बहुत कुछ। प्रेम सागर ने कहा, हमारी टीम सही राम को ढूंढने के लिए दिन रात काम कर रही है, जैसे ही हमें कोई मिलेगा हम इसकी घोषणा करेंगे। आपको बता दें, ये दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा। सैटेलाइट चैनल एक अलग तरह के राम को दिखाएगा, लेकिन दूरदर्शन में चुनौती बड़ी है, क्योंकि वो लोग जिसे देखते हैं उसे ही भगवान मान लेते हैं। दूरदर्शन के दर्शकों के लिए राम की तलाश सबसे बड़ी चुनौती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस अपने फैंस के साथ हर छोटी बड़ी अपडेट शेयर करती रहती हैं। मगर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से दिशा पाटनी ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गई हैं। अब उनका ये वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। दरअसल हाल ही में दिशा पाटनी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एयरपोर्ट पर नजर आ रही हैं, जिस दौरान एक्ट्रेस अपने ब्लैक आउटफिट से लोगों को दीवाना बना रही है। मगर इस ड्रेस में दिशा अनकम्फर्टेबल भी नजर आ रही है। दिशा ने ऑफ शोल्डर ब्लैक टॉप को मिनी स्कर्ट के साथ पेयर किया, लेकिन उनकी स्कर्ट हवा की वजह से बार बार ऊपर उठ रही थी, जिसे एक्ट्रेस कई बार ठीक करती नजर आई। ऐसे में दिशा उप्स मोमेंट का शिकार हो गई। बॉलीवुड की पावर कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर जल्द ही किलकारी गूंजने वाली है, जिसकी इन्फॉर्मेशन खुद स्टार कपल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस के साथ शेयर की है। इसके साथ ही दोनों ने ये भी बताया कि वो इस साल सितंबर में अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगे। पर रणवीर सिंह का एक पुराना वीडियो इस बीच काफी चर्चा में है, जहां काफी समय पहले रणवीर ने कहा था कि उन्हें दीपिका जैसी बेटी चाहिए। बातचीत के दौरान एक्टर ने कहा था, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरी शादी हो गई है और अब 2 से 3 साल में बच्चे भी होंगे। भाई साहब, आपकी भाभी इतनी क्यूट बेबी थी ना, मैं तो रोज उसकी बेबी फोटोज देखता हूँ और कहता हूँ एक ऐसी दे दो मुझे, बस मेरी लाइफ सेट हो जाए। फेमस डांस शो झलक दिखला जा 11 को इस सीजन का विनर मिल चुका है। बताया जा रहा है कि शोएब इब्राहिम, धनश्री वर्मा, श्री रामचंद्रा, अधीरजा और मनीषा रानी में से बिहार की रानी ने बाजी मार ली है। मनीषा ने शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी और ये पहला मौका है जब किसी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ने ये शो जीता है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है, पर रिपोर्ट्स की माने तो मनीषा रानी झलक दिखला जा 11 की विनर बन गई है। उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो ग्रैंड फिनाले की बताई जा रही है। वैसे झलक दिखला जा 11 का ग्रैंड फिनाले 2 मार्च को है। अजय देवगन की फिल्म मैदान ईद पर रिलीज होने वाली है, जिसका क्लैश अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां से होने वाली है। ईद के बाद बकरीद भी अजय अपने नाम करना चाहते हैं। उस फिल्म का भी एक दूसरे सुपरस्टार की फिल्म के साथ क्लैश होने वाला है। दरअसल हाल ही में ये खबर सामने आई है कि अजय और तब्बू स्टारर फिल्म औरों में कहां दम था जून में रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने फिलहाल कोई फाइनल डेट तो नहीं बताई, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो 2 तारीखों पर चर्चा चल रही है। पहली है 14 जून और दूसरी है 21 जून। कहा जा रहा है कि इन दोनों डेट पर ही ये फिल्म रिलीज हो सकती है। ऐसे में इसी वक्त कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन भी होगी रिलीज। चंदू चैंपियन 14 जून को रिलीज होने के लिए तैयार है। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसे कबीर खान ने डायरेक्ट किया है। ये साल 2024 की कार्तिक की पहली फिल्म होने वाली है। तो वहीं अजय की औरों में कहां दम था पहले 26 अप्रैल को रिलीज होने के लिए तैयार थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि अजय और कार्तिक की फिल्म सेम डेट पर रिलीज हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। बाकी ऐसे ही अपडेटेड न्यूज के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को।